अखिलेश के नवरत्नों में से एक बन गया भगोड़ा। सीएम योगी की पुलिस गिरफ्त में लेने के लिए बेकरार। सीएम योगी और उनके गुरु पर की थी अभद्र टिप्पणी। जिंदगी के हर क्षेत्र में कहा जाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले व्यक्ति का गुस्सा कम हो जाए और वो मन में ही शीतलता का एहसास करे। ऐसा करने से ना सिर्फ सुनने वाले शख्स का मन शीतल होगा बल्कि आपका भी मन शीतल होगा और आपको मन की शांति प्राप्त होगी। लेकिन कभी कभी नेताओं में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो मुंह खोलते हैं तो बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे मन शांत नहीं होता, मन की अशांति बढ़ जाती है। दूसरे के मन में खलल तो डालते ही हैं, अपने लिए भी अशांति पैदा कर लेते हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी अपनी वाणी से कुछ ऐसे तल्ख बोल पीएम सीएम और डीएम के खिलाफ निकाले थे। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले बीजेपी का मन अशांत हुआ, पीएम डीएम और सीएम का मन अशांत हुआ और आखिर में आजम खान का मन अशांत हुआ, सजा मिली और विधायक की गई। अब अखिलेश के नवरत्नों में से एक अनुराग भदौरिया को भी उनकी तल्ख वाणी के लिए भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने सपा प्रवक्ता के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट फुल एक्शन में आ गई है। यही कारण है कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं हजरतगंज थाना प्रभारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं जो लगातार दबिश दे रही हैं। सपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस टीम की तरफ से दबिश देने का सिलसिला चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लखनऊ के इंदिरा नगर में मौजूद आवास और फार्म हाउस पर दबिश दी गई है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक सपा प्रवक्ता लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, जल्द ही सपा प्रवक्ता को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की मदद भी ली जा रही है। इस मामले में लखनऊ के बाहर भी दबिश दी गई है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने हजरतगंज थाने में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ तहरीर दी थी। बीजेपी प्रवक्ता ने सपा प्रवक्ता पर टीवी डिबेट के दौरान सीएम योगी और ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने डिबेट के दौरान कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अवैधनाथ के वैध पुत्र नहीं होते तो क्या वो गोरखपुर से एमपी बन जाते? किस बात के लिए एमपी बने? क्योंकि वो अवैधनाथ के। इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने सपा प्रवक्ता पर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का नाम शरारतपूर्ण और जानबूझकर गलत उच्चारण करते हुए अवैधनाथ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा गोरक्षपीठ करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और ठेस पहुंचाने की पुष्टि से सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की। बहरहाल इतना तो तय हो गया है कि शब्दों की गरिमा से बाहर जाकर बोलना अनुराग भदौरिया पर भारी पड़ गया है।